हैदराबाद के इलाके पुरानी हवेली में मौजूद डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल में हर माह की तरह इस बार भी वुमेन्स हेल्थ अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। इस कैंप में मोहतरमा डॉक्टर सैयदा आफरीन फातिमा MBBS, MS, OBG, MR, COG, UG का कहना है कि हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम में ख़ास तौर लेडीज़ को उन्हें किस तरह से डाइट करना है और किस तरह क्या गिजाएं खाना है, अपने आप को केयर करना है, ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे हर महीना कई ऐसे लेडीज़ हमारे इस अवेयरनेस कैंप का फ़ायदा उठा रही हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलिटी के अलावा हम ऐसे सोशल वर्क भी किया करते हैं जिससे आवाम को इस तरह के फ़ायदे हासिल हों। और कई बातें हैं ऐसी जो उन्होंने Z9 TV से बात करते हुए तमाम इन बातों से वाकिफ करवाया है। याद रखिए, आपको भी अगर डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल पुरानी हवेली आना हो या फिर कोई इमरजेंसी अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। नोट करें 8074779983 और 8121600110। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफरीन है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। यहाँ पर डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल हम लोग 5 साल से चला रहे हैं। हम लोग वुमेन्स हेल्थ प्रोग्राम हर महीना रखते हैं। यहाँ पर आज भी हमारे पास एक वुमेन्स अवेयरनेस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लोग यूजुअली स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और वुमेन पॉपुलेशन को कैसा हेल्दी लाइफस्टाइल बिताना, कौन से डिजीजेस को प्रिवेंट करना, कैसे न्यूट्रिशन लेना और कौन से चीज़ में हमको कितना फ़ायदा है वो हम इनको बताते हैं। वुमेन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग ये लोग को स्पेसिफाई करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कहाँ पर हम ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस करना कि आगे जाके हमको गायनेक इश्यूज, गायनेक प्रॉब्लम्स नहीं आए जैसा, और कौन से जगहों पे आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से जगह पे आप सर्जरी नहीं हुए जैसा आप मेडिकेशंस के थ्रू डिजीजेस अवॉइड कर सकते हो। हमारे हॉस्पिटल का शुरू से ये मोटो रहा है कि हम सर्जरीज पहले ही नहीं करते, चाहे कि वो पहले एक बार सेक्शन होके आने दो या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन से आने दो। हम यहाँ पर एक ट्रायल ऑफ लेबर देते। ट्रायल ऑफ लेबर देने में ये होता है कि मैक्सिमम टाइम हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करके उन लोग को नॉर्मल डिलीवरी तक लेके जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि एक आध बार नॉर्मल डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो वो टाइम पे तो सेक्शन करना लाजमी है, लेकिन जहाँ तक हम लोग अवॉइड कर सकते वहाँ पर करते। एक औरत को नॉर्मली एक्टिव होना पड़ेगा एंड अपने हद तक का काम करना चाहिए। प्रेगनेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बीमार है। प्रेगनेंसी एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके जरिए एक 9 महीने का टाइम जाएगा, उसके बाद डिलीवरी होगा। तो ये 9 महीने के टाइम पे सिर्फ उनको ये देखना है कि वो लोग न्यूट्रिशन में कमी नहीं कर रहे, उनके वर्कआउट में जो लोग घर का काम करते हैं, अपने हद तक जो काम करते हैं उसमें कमी नहीं कर रहे, अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे, और जो मेडिकेशंस हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि आंवल नीचे है या फिर सर्विक्स का लेंथ छोटा है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से कि उनके पेट पे प्रेशर नहीं पड़ना या फिर उनको स्ट्रेस नहीं होना, वो कंडीशन में हम ही खुद बोलते हैं कि पेशेंट्स को आप थोड़े वेट लिफ्टिंग चीज़ें अवॉइड करिए या फिर हैवी वर्कआउट अवॉइड करिए या फिर आप बाहर ट्रैवल मत करिए। लेकिन बहुत सारे प्रेगनेंसीज में अगर वो लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल जैसे वो लोग पहले रह रहे थे वैसे ही अगर आप वो लोग कंटिन्यू करें, आई थिंक उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए। प्रेगनेंसी इट्स नॉट अ डिजीज़, ये एक नेचुरल चीज़ है, तो इसको एक बीमारी की तरह ट्रीट मत करिए। हम लोग यहाँ पर लैप्रोस्कोपी की सर्जरीज करते, यहाँ पर हम लोग ओपन सर्जरीज भी करते। कभी कभी ये होता है कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो जाते जिसको छोटे गड्ढे बोलते, वो गड्ढे होने की वजह से लोग प्रेग्नेंट नहीं होते। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग ऑपरेशन करते। मतलब ये है कि जो बीमारियों की वजह से, जो गड्ढों की वजह से जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते वो बच्चेदानियों को हम रिपेयर करते। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है कि 5-6 फाइब्रॉइड्स हो गया ऐसी जगहों पे है जहाँ से प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम है, या फिर बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हो गया जिसको निकालना मुश्किल है, वो वाले सर्जरीज हम यहाँ करते। हम लोग इनफैक्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें ट्यूब निकल जाता है, बहुत सारे लोग एक्टोपिक फटने पे ट्यूब निकाल देते, तो हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि वो ट्यूब को बचाने का। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग जो लोगों का ट्यूबेक्टमी हो जाता है जिसको बच्चे बंद करने का ऑपरेशन बोलते, वो बच्चे खोलने का भी ऑपरेशन करते। तो ज़रूरी नहीं है कि हर ऑपरेशन खोलने वाले ऑपरेशन में वो लोग 100% वो लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे, लेकिन हाँ इतना है कि 50% लोग उसे कंसीव कर लेते। हमारे पास पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, हमारे पास डर्माटोलॉजिस्ट अवेलेबल है,
हमारे पास डीएमओज अवेलेबल है राउंड द क्लॉक, जो इमरजेंसी जब भी आते हैं उनको केयर करते हैं. एंड ओवरऑल मैं यहाँ का पूरा मैनेजमेंट चेक करती हूँ एंड जो भी डिलीवरीज होते हैं उसका पूरा इंतजाम हम लोग यहाँ पर ए टू जेड करके रखते हैं. इमरजेंसी हमारे पास इमरजेंसी सर्विसेज है, पूरा स्टाफ 24/7 है. हमारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में 8074779983 ये हमारा अपॉइंटमेंट वाला नंबर है. इमरजेंसी आपको कभी है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन कम हियर. हमारा हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर आफरीन हॉस्पिटल, ये स्मार्ट पॉइंट के बाजू है और पुरानी हवेली के मेन रोड पे है. इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो जरूर करें. याद रखिए, जेड नाउ टीवी यही सच है.